गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बचपन CSBR सेंट्रल स्कूल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ नाउन. सो एज यू नो, इन हिंदी आपने नाउन पढ़ा होगा, आपने संज्ञा पढ़ा होगा. इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जैसे हिंदी में हम संज्ञा की परिभाषा बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति के गुण को संज्ञा कहते हैं. सेम इंग्लिश में हम नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पर्सन की बात करें, डॉक्टर, टीचर, फादर, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जो कि पर्सन को डिनोट करते हैं, पर्सन के बारे में बताते हैं. नेक्स्ट इज प्लेस, दैट इज हाउस, स्कूल, बैंक एंड देर आर मैनी प्लेसेस. नेक्स्ट इज एनिमल्स, डॉग, एलिफेंट, कैट. थिंग्स, चेयर, बॉल, बुक्स एक्सेट्रा. सो जैसा कि आपने देखा, नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स को डिनोट करता है, इनके बारे में बताता है. लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ नाउन्स. देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. 5 तरीके के नाउन्स होते हैं. देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. वॉट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है जब हम किसी स्पेशल चीज़ या स्पेशल पर्सन के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम, प्लेस हो गया दिल्ली, एंड देर आर मैनी स्पेशल नेम्स. आपका खुद का नेम भी एक प्रॉपर नाउन है विच इज़ स्पेशल. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू कॉमन नाउन. कॉमन नाउन वो होते हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो कि आम तरीके से, सामान्यजनक तरीके से यूज़ किए जाते हैं सबके लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन पर्सन, मैन, गर्ल, बॉय. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नाउन विच इज़ मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन वो होते हैं जो कि किसी सब्सटेंस के बारे में बताते हैं, जिनसे चीज़ें बनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, एयर, सिल्वर, कॉटन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कलेक्टिव नाउन. What is collective noun? A group of words is called collective noun. So there is a pair of shoes. So here, यहाँ पे जो pair है, this is collective noun of shoes. Shoes को हम pair में ही पहनते हैं. Okay? Next is a bunch of flowers. So this is the word bunch, which is a group of word flowers. Okay, let's move on to next, which is abstract noun. Abstract noun वो होता है जिसमें feeling, emotion होते हैं. Okay, which cannot be touch, which cannot be taste. Okay, जिसको हम feel कर सकते हैं, that is honest, kindness. Okay, so these are the 5 types of nouns we have learned. Okay, proper noun, common noun, material noun, collective noun, and last is abstract noun. So kids, I hope you will all learn it, and in next class we will learn more about nouns. Thank you.